हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आलम क्रिप्टो। डियर फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है, इसलिए कि आज बहुत बड़ी न्यूज़ है और बहुत बड़ी खुशखबरी है उन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने इस कॉइन को होल्ड कर रखा था और जिसके बारे में मैं लगातार 3-4 महीने से 5 महीने से लगातार इस पर कोशिश कर रहा हूँ। और इधर अगर देखेंगे 2 महीने से तकरीबन कंटिन्यू, अगर देखेंगे अगस्त और सितंबर लगातार कंटिन्यू मैंने इस पर वर्क किया है और लगातार मैं आपको बता रहा हूँ कि इसके अंदर जो एक थोड़ी बहुत कमी थी, कमी कहेंगे कि जो प्रोजेक्ट है, जिस तरीके से इसकी टीम है और जिस तरीके से इसकी कम्युनिटी है और जिस जो इसका यूज़ केस है, उस एतबार से कुछ भी नहीं है। लेकिन जो थोड़ा सा ये लीक दिखाई दे रहा था उसको भी पूर कर दिया गया है, और जिसका हम सबको इंतज़ार था कि इसकी, और मुझसे कमेंट में भी काफ़ी लोग कहते थे जब मैं इस पर बातें करता था, मैं कहता था कि 1 दौड़ा जाएगा 2 दौड़ा जाएगा, तो लोग कहते थे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि इसकी टोटल सप्लाई इतनी ज़्यादा है, कैसे ये हो सकता है। लेकिन इसकी टीम ने प्रूफ कर दिया है और ये कह दिया कि वो अपने प्रोडक्ट को लेकर के काफ़ी संजीदा है और ये इसको, इसकी प्राइस को ऊपर जाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम डिटेल से बातें करने वाले हैं, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को आखिर तक वॉच करें ताकि सारी बातें, सारा प्रोसेस और सारा मेथड समझ आ सके और इस वीडियो का कोई भी एंगल और पार्ट आपसे मिस ना होने पाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जिस कॉइन के बारे में बातें करने वाला हूँ उसका नाम है वेरासिटी कॉइन, यानी VRA कॉइन। ठीक है, जो न्यूज़ आई है, वो खबर आई है, वो खबर मैंने आपसे पहले भी कहा था कि इसके टोटल सप्लाई को लेकर के काफ़ी ज़्यादा ये है। तो अब जो फाइनल हुआ है वही हुआ है कि जो इसकी टोटल सप्लाई है, यानी जो इसकी पहले टोटल सप्लाई थी, यानी मैक्सिमम सप्लाई थी, वो तो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन इसकी जो सर्कुलेटिंग सप्लाई थी तकरीबन 10 बिलियन के आसपास, 10.2 बिलियन इस तरह से है। ठीक है, तो जो इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई है उतनी ही सप्लाई रहेगी, यानी 10 बिलियन समझ सकते हैं कि 10 बिलियन सप्लाई रहेगी और बाकी जो है वो ख़त्म कर दी जाएगी। ठीक है, अब उसका प्रोसेस है कि किस तरीके से ख़त्म किया जाएगा, वो टेक्निकल चीज़ें हैं। ठीक है, लेकिन जो टोटल सप्लाई 10 बिलियन है, जो पहले जो इसकी सपोर्टिंग सप्लाई 10 बिलियन थी, उतना ही टोटल सप्लाई इसकी रहने वाली है। ठीक है, तो इतनी ही अगर हम 10 बिलियन पर बातें करेंगे और 10 बिलियन के अतबार से अगर इसकी प्राइस देखेंगे कि क्या ये डोला जा सकता है, अगर हमारा सवाल ये होगा कि क्या ये डोला जा सकता है, तो इसको सिर्फ $10 बिलियन की मार्केट कैपिटल अचीव करना पड़ेगा $1 जाने के लिए। तो बहुत जिस तरीके का प्रोजेक्ट है, जिस तरीके से ये काम कर रहा है, जिस तरीके से वर्क कर रहा है और जो इसके बैकिंग में चीज़ें हो रही हैं, यानी चाहे इसके बर्निंग के रिलेटेड हो, मेटावर्स के रिलेटेड हो, गेमिंग के रिलेटेड हो, ई स्पोर्ट के रिलेटेड हो, या फिर AI के रिलेटेड हो, या फिर एडवर्टाइजिंग के रिलेटेड हो, जो जितना ज़्यादा मल्टीपल इसका यूज़ केस है उसको देखते हुए, क्या अगर शिबा इनो डॉज कॉइन, जिसका कोई ज़्यादा यूज़ केस नहीं है, पहले तो कुछ भी नहीं था लेकिन अब तो कुछ हो गया है, अगर ऐसा शिट कॉइन और इस तरीके से बगैर मतलब वाले कॉइन अगर इतना ज़्यादा पंप कर सकते हैं, तो जिसका रियल यूज़ केस है और जिसकी टोटल सप्लाई सिर्फ 10 बिलियन है, क्या ये $1 नहीं जा सकता है, और क्या ये $10 बिलियन मार्केट कैपिटल अचीव नहीं कर सकता है। इस वक्त जो इसकी मार्केट कैपिटल है वो है 51 बिलियन 52 बिलियन के आसपास इसकी मार्केट कैपिटल चल रही है, काफ़ी अंडर वैल्यूड जेम है। आप ये ना समझे कि 30% बढ़ गया, 40% बढ़ गया है, अब क्या हमें हमारे हाथ लगने वाला है। जहाँ भी आपको डिप दिखाई दे आप अपनी एंट्री बना सकते हैं। मेरे एतबार से अगर मैं ये कहूँगा तो टोकनोमिक्स के रिलेटेड जो मुझे थोड़ा बहुत पहले था शंका भी थी, लेकिन अब इसको, अब मेरी सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं और सारा फंडामेंटल बिल्कुल क्लियर हो चुका है, और मुझे लगता है कि बुल मार्केट के अंदर ये अब आसानी के साथ $1 को टच कर सकता है। ठीक है, इसके लिए सिर्फ इसको $10 बिलियन की मार्केट कैपिटल अचीव करना पड़ेगा और ये बिल्कुल फिजिबल है, मुमकिन है। आपको क्या लगता है, क्या ये जो न्यूज़ आई है, जो सर्कुलेटिंग सप्लाई, इसकी टोटल सप्लाई होगी, क्या इसकी वजह से इसके प्राइस पर कितना मोमेंटम देखने को मिल सकता है, आप अपनी राय ज़रूर दें। तो आई होप कि आज की वीडियो को अच्छी लगेगी, पसंद आएगी। अगर ये वीडियो को अच्छी लगी, वीडियो लाइक चार बनाएंगे तो सब्सक्राइब करके बस, ताकि वीडियो को इस तरह की यूजफुल और इंपॉर्टेंट वीडियो मिलते रहे। नारा सब कमेंट्स अपने ख्याल से जरूर आगाह करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।